वेलकम टू देसी पटाखा। एज ऑलवेज मैं हूं आराधना आपके साथ। वेल दोस्तों, बिग बॉस के घर में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। क्या क्या सवाल किए गए हैं ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। वेल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बिग बॉस के घर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बहुत बड़ी चाल खेली जा रही है। रश्मि देसाई, जी हाँ, रश्मि देसाई की इमेज को इम्प्रूव करने की, उनको स्ट्रांग दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा, प्रीकैप में साफ साफ नजर आता है जहां पर रश्मि देसाई से सवाल किया जाता है कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। और रश्मि कहती है कि मैं बाहर जाकर इस रिश्ते को पूरी तरह से खत्म करना चाहती हूं। आई एम डन विद अरहान। वेल दोस्तों, रश्मि देसाई को अगर यही करना था तो उसने पहले क्यों नहीं किया जब अरहान घर के अंदर था। अब एकदम जब बिग बॉस खत्म होने को है, फिनाले होने को है, ऐसे में रश्मि अपनी चालों को पूरी तरह से बदलती हुई नजर आ रही हैं। और एक और चीज, क्या ये बिग बॉस की कोई स्ट्रैटेजी थी घर के अंदर अरहान को भेजना, उसकी इतनी सारी पोले खोलना, इतना कुछ बताना उसके बारे में कि वो शादीशुदा है, उसका बच्चा भी है? अगर रश्मि उसको इतने सालों से डेट कर रही थी तो क्या ये सारी सच्चाई रश्मि के सामने कभी भी नहीं आई? इज इट पॉसिबल? वेल दोस्तों, बहुत बड़ा ये गेम नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं रश्मि देसाई को ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिग बॉस की हर खबर जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना प्लीज डू नॉट फॉरगेट। बाय गाइज़।